हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ओवर स्मार्ट। तो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं एक नए प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों, आज का हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपने blogger.com पे अपना एक वेबसाइट बना रखा है, .blogspot.com करके आपने डोमेन खरीद के भी बना रखा है, और आपने कहीं से टेम्पलेट डाउनलोड किया और आपने XML फाइल को कॉपी करके HTML में सेव कर लिया और आपका टेम्पलेट उसमें लग गया, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट मेनूज़ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा edovic.com अपना वेबसाइट है खुद का, जिसमें मैंने मेनूज़ होम, गैजेट्स रिव्यू, प्लेसेस रिव्यू, पर्सनैलिटी रिव्यू का दे रखा है। अब आपको दिक्कत ये आता होगा कि आप कैसे इसमें मेनूज़ और सब मेनूज़ बनाएं और सब मेनू के अंदर मल्टी मेनू बनाएं। जैसे मैंने दिखाता हूं आपको मल्टी मेनू किसे, ये है सब मेनू। गैजेट्स रिव्यू के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और नॉन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का अपीयर होना, मतलब है गैजेट्स रिव्यू का सब मेनू क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और नॉन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अब जैसे मैं प्लेस रिव्यू को दिखाता हूँ, प्लेस रिव्यू का सब मेनू क्या है, उड़ीसा, और उड़ीसा का फिर मल्टी मेनू क्या है, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर हो गया मल्टी मेनू ऑफ प्लेस रिव्यू। तो दोस्तों, एक देख सकते हैं, ये सब मेरा सब मेनू और मल्टी मेनू ऐसा खुल रहा है। आप इसे बनाएंगे कैसे, और इसे बनाना उतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले आप अपने ब्लॉगर में चले जाइए और साइन इन कर लीजिए। अब आपको जाना है लेआउट सेक्शन में। लेआउट सेक्शन में जाने के बाद मेन मेनू आपको खोलना है और एडिट करना है। एडिट करने के बाद, जैसे कि मैं अपने इसमें चाहता हूँ अपने वेबसाइट में कि गैजेट्स रिव्यू के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आए और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मल्टी मेनू में आए टैबलेट्स एंड मोबाइल फ़ोन्स। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। मैं ब्लॉगर में गया और मैंने यहाँ पे मेन मेनू को एडिट किया। मैं यहाँ पे अब न्यू साइट का नेम देता हूँ मोबाइल फ़ोन्स। और मैंने इसे ऐड लिंक कर दिया। सेकेंड में मैं चाहता हूँ टैबलेट्स, मैंने ऐड लिंक कर लिया। अब मैं इसे देखिए, मुझे किसके अंदर लाना है, गैजेट्स रिव्यू, और गैजेट्स रिव्यू के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स है, मैं ये चाहता हूँ। तो अब मुझे इसे डाउन एरो से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर ले जाना है। तो चलिए, मोबाइल फ़ोन को डाउन एरो से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर ले जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर आ गया। आप टैबलेट को भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर ले आना है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने इसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर ले आया हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी आपका काम नहीं बना, अभी आप सेव करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों काम नहीं बना, क्यों मैं ऐसा बोला। देखिए, अगर आप इसे बस नाम देकर अगर छोड़ देते हैं और सेव कर देते हैं, देखिए अलग से मोबाइल से टैबलेट आ गया, लेकिन ये नहीं चाहिए। हम चाह रहे हैं कि मेरा गैजेट्स रिव्यू के अंदर वो आए मल्टी मेनू बन के। तो आप फिर आप जाके मेनू मैंने एडिट किया। तो दोस्तों, मैं अपने मेन मेनू में जाके उसे अपने मेन मेनू को एडिट करता हूँ। अब मुझे आपको दिखाना है कि कैसे आपको मल्टी मेनू बनाना है। जैसे मैंने गैजेट्स रिव्यू के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एक सब मेनू बना रखा है, तो सब मेनू बनाने के लिए मैंने क्या रखा है, नाम तो बस लिखा है, उसके सामने बस एक अंडरस्कोर डाल दिया। आप ध्यान से देखिए, बस यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर डाल रखा है, उसी के चलते वो एक का सब मेनू बन गया। इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर आप कोई किसी भी नाम के अंदर, कोई हेडिंग के अंदर, जैसे मेरे यहाँ पे हेडिंग हो गया गैजेट्स रिव्यू, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के, अगर आप गैजेट्स रिव्यू के नीचे अगर कोई हेडिंग देते हैं और उसके सामने एक अगर अंडरस्कोर लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो उसका सब मेनू बन जाता है। तो एक अंडरस्कोर लगाने से आपका सब मेनू बनता है, दो अंडरस्कोर लगा देंगे तो भैया वो मल्टी मेनू बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या करता हूँ, एक अगर अंडरस्कोर लगाता हूँ, तो ये अब बन गया सब मेनू किसका, गैजेट रिव्यू का। लेकिन अगर दो अगर मैं अंडरस्कोर लगाता हूँ, तो ये क्या बन गया, गैजेट्स रिव्यू के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सब मेनू, मतलब ये मल्टी मेनू ऑफ गैजेट्स रिव्यू बन गया। मैं इसे सेव कर लेता हूँ, अभी आपको दिखाता भी हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जिसके अंदर जो हेडिंग के अंदर आपको उस मेनू बनाना है और उसका सब मेनू बनाना है, बस उसके नीचे उसको लिख लेना है। यहाँ से आप लिख लीजिए उसका नाम, उसे ड्रॉप डाउन करते 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 उसके अंदर ले आइए। जैसे मुझे गैजेट्स रिव्यू के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए था, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर चाहिए था, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर मोबाइल फ़ोन से टैबलेट को रखा। टैबलेट के सामने भी मैं दो बार अंडरस्कोर डाल देता हूँ, अंडरस्कोर डालने से मेन वो उसके अंदर मेनू बनते जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब देखते हैं हमारा काम बना कि नहीं बना, कि हमें अब कुछ और भी करना पड़ेगा। देख लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके, हम रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं यहाँ गैजेट्स रिव्यू, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर मोबाइल फ़ोन और टैबलेट। तो दोस्तों, देखा कितना आसान है इसे बनाना। आप बोलते होंगे वाह कितना आसान था, बस अंडरस्कोर का काम था। हाँ दोस्तों, कुछ नहीं था। देखिए, गैजेट्स रिव्यू के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसके अंदर मोबाइल फ़ोन और टैबलेट, ऐसे ही आप और भी मेनूज बना सकते हैं। तो बस ये अंडरस्कोर का थोड़ा सा गेम है, जितना एक अंडरस्कोर डालने से आपका क्या हुआ, मैंने अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रिव्यू के नीचे लिखा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसके अंदर एक उसके पहले एक अंडरस्कोर लगाया, तो वो गैजेट्स रिव्यू के अंदर एक सब मेनू बन गया। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर मैंने मोबाइल फ़ोन के सामने दो अंडरस्कोर लगाया, तो वो उसका मल्टी मेनू बन गया। टैबलेट्स के सामने मैंने दो अंडरस्कोर लगाया, तो उसका मल्टी मेनू बन गया। ऐसे करके आप मेनूज बना सकते हैं। तो दोस्तों, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में भी उसे बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी, प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों।